दोस्तों जब ये लड़की रिक्शा में बैठकर आती है और उस रिक्शे वाले को 50 रुपए देने लगती है, तब रिक्शा वाला कहता है कि मेरे 100 रुपए बनते हैं। तब लड़की कहती है कितने पैसे तुम्हारे लिए बहुत हैं। उसके बाद लड़की रिक्शे वाले को उल्टा सीधा सुनाने लगती है और कहती है कि रखने हो तो रखो वरना ये पैसे मैं वापस ले लूंगी। तब रिक्शा वाला उदास होकर उतने पैसे ले लेता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद लड़की अपने ऑफिस जाती है और अपने बॉस से सैलरी मांगती है। तब उसका बॉस उसे केवल 10,000 रुपए देता है। तब लड़की कहती है कि सर ये तो केवल 10,000 रुपए ही है, आपने मुझे तो 20,000 रुपए देने के लिए कहा था और मैंने काम भी 20,000 रुपए के लिए किया है। तब बॉस कहता है कि तुमने केवल 10,000 रुपए का काम किया, अगर लेना हो तो लो वरना ये पैसे मैं वापस ले लूंगा। तब लड़की कहती है कि मुझे अपने पूरे 20,000 रुपए चाहिए। अब आगे जो हुआ या देखकर आप भी हैरान हो जाओगे, पर उससे पहले वही लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे जो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और हाँ, कमेंट में अपनी प्यारी सीमा के लव यू मॉम लिखना मत भूल जाना। तब उसका बॉस कहता है कि जब तुम्हें अपनी पूरी सैलरी चाहिए तब तुमने उस रिक्शा वाले को आधा किराया क्यों दिया? दरअसल यह सब होते हुए उसके बॉस ने देख लिया था। दोस्तों हमें कभी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। तब लड़की कहती है कि सर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। उसके बाद उसे उसकी पूरी सैलरी मिल जाती है। दोस्तों क्या उसके बॉस ने सही किया था या गलत, कमेंट में जरूर से बताना।